मैं ये वीडियो बना रही हूँ दिखाने के लिए कि एकदम शहर के बीचों बीच अगर शमशान घाट होता है तो कितना प्रॉब्लम होता है, कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे घर के खिड़की यहाँ पे और ये खिड़की के ठीक सामने, ये इतना पोल्यूशन वाला एक माहौल है। दिन रात 2400 घंटे सातों दिन हर रोज़ यहाँ पे ऐसे शमशान घाट में जलाया जा रहा है शव और ऐसे धुआं निकलता जा रहा है। तो शमशान घाट तो इम्पोर्टेंट है ही इंसान के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसको शहर के बीचों बीच बनाया जाए। हर जगह ये शहर से दूर ही होता है। नॉर्मली अगर आप दूसरे शहरों में देखेंगे तो ये शहर से बाहर किसी दूर इलाका में, सुनसान इलाका में होता है, पर हमारे यहाँ पे शहर के बीचों बीच है ये है। तो ये चीज़ चेंज होना चाहिए। मेरे वीडियोस अगर ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक पहुँचते हैं जो लोग इस बारे में कोई काम कर सकते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें, जितना हो सके इस वीडियो को पहुँचाइए लोगों तक, ताकि आवाज़ उठाना चाहिए और ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। या तो शमशान घाट को अलग किसी दूर इलाका में भेज दीजिए, या फिर वाटर प्योरिफिकेशन का जो तरीका होता है वो यूज़ कीजिए ना, ये एग्जॉस्ट पाइप्स के लिए। एग्जॉस्ट जो ये ऊपर के तरफ एयर में छोड़ा जा रहा है, यही चीज़ तो वाटर में भी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये शमशान घाट बिल्कुल गंगा के घाट पे है। तो ये जो फ्यूम्स निकल रहा है ये ऊपर एयर में छोड़ने के बजाय, यही फ्यूम्स ऐसे नाली जैसे बहता है ना, तो वैसे ही गंगा में अगर नाली बनाया जाता है और ये फ्यूम्स वहाँ से छोड़ा जाए, तो गंगा में ये वाटर प्योरिफिकेशन का एक मशीन बिठा के भी तो इसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं। ये आइडिया भी तो शेयर होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जाऊँ ये लेके, पर मेरा ये प्रस्ताव आप सब शेयर करके वहाँ तक पहुँचाइए, ताकि कुछ बन सके इस मामले का। सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं, यहाँ स्मेल भी बहुत ज़्यादा आता है डेड बॉडी का। ये ऐसे जलाने पे डेड बॉडीज़ का स्मेल जब हवा इस तरफ आती है तो पूरा वो एकदम गंदा वाला स्मेल यहाँ तक आता है। हम लोग अधिकतर समय खिड़कियाँ बंद रखते हैं मजबूरन। गर्मी में भी खिड़कियाँ खोलने का कोई उपाय नहीं होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्मेल आता है कि इट्स अनटॉलरेबल, बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जा सकता है ऐसे वाले अनहेल्दी स्मेल, पोल्यूशन, धुआं। हमारे घरों में तो इनफैक्ट एशेज भी उड़ते हैं हवा के साथ। ये यहाँ के जो जलाने के बाद जो एशेज होते हैं वो हवा के साथ खिड़की के अंदर आते हैं, घर के अंदर आते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे पंखा चलाने पे दिखता है कि एशेज उड़ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। इस इलाका के लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ की प्रॉब्लम है, मुझे भी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी की प्रॉब्लम है, एस्मा की प्रॉब्लम है, और ये बहुत हानिकारक है सेहत के लिए। पोल्यूशन तो वैसे भी समाज के लिए, सेहत के लिए, सब कुछ के लिए हानिकारक है, ख़राब है। सो प्लीज़ इस बारे में कुछ तो कीजिए।